औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मनगर में किराए पर रह रही एक शिक्षिका के मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर जीने के रास्ते ऊपर चढ़कर कमरों और अलमारी में रखी नकदी और जेवरात पार कर दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस हड़ताल करने में जुटी हुई है। शिक्षिका के अनुसार लगभग 35 लाख की चोरी हुई है। दरअसल शहर के मोहल्ला ब्रह्मनगर में अमरनाथ मिश्रा के मकान में प्राथमिक विद्यालय सुंदरीपुर की शिक्षिका मीरा शुक्ला किराए पर रहती हैं, जबकि उसका पति संजीव शुक्ला कानपुर देहात के पुखराया में अपने घर पर रहता है, जिसकी काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते शिक्षिका गुरुवार को स्कूल में पढ़ाने के बाद पुखराया चली गई थी, जबकि मकान मालिक अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे। वहीं आज सुबह शिक्षिका पुखराया से अपने ब्रह्मनगर स्थित मकान पर पहुंची तो गेट का ताला टूटा हुआ था। जब वो अंदर गई तो कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। इसकी जानकारी लगते ही मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं शिक्षिका मीरा शुक्ला ने बताया कि बैनामा कराने के लिए रखे 8 लाख रुपए और गहने चोरी हुए हैं। इस चोरी से लगभग 35 लाख का नुकसान हुआ है। कहाँ गई थी जी? सुबह जब हम स्कूल के लिए यहाँ आए तो देखा ताला पड़ा, यहाँ आगे बढ़े तो इधर अंदर भी खुले पड़े, वहाँ तक गए फिर हम उसके बाद नहीं गए। फिर हम दो लोगों को लेके ऊपर गए, वहाँ भी सारे ताले टूटे पड़े थे, देखा सामान सारा बिखरा पड़ा था जी। तो कितना नुकसान माना जाता है, क्या क्या सामान था आपका? 8 लाख है जी। जीवन में क्या क्या था आपका? आपके अलावा घर में कोई और नहीं रहता है क्या? रहते हैं, मकान मालिक थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ गई थी? पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस आई? अब अभी तक क्या उन्होंने जांच पड़ताल किया, क्या उन्होंने देखा अभी तक? थाना कोतवाली औरैया के मोहल्ला ब्रह्मनगर में अमरनाथ मिश्रा जी का घर है, जिसमें कुछ अज्ञात चोरों द्वारा जो है रात में चोरी की घटना का अंजाम दिया गया है। हम लोग मौके पर एडिशनल साहब और मैं सहमत थाना कोतवाली मौके पर आए हुए हैं और जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो चोर है उनके खिलाफ जो है टीम बना के गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के समय क्या मकान में कोई था ही नहीं क्या? ये जानकारी मिली कि घटना के समय पर मकान मालिक तो बाहर थे और जो किराएदार रहते थे वही केवल थे, वो भी जो है घर में चले गए थे कहीं बाहर, और घर में कोई नहीं था इसमें।